और ये है ओके टी का शोरूम। हम यहाँ पे रुक के देखते हैं तो शॉपिंग करेंगे। ओके टी एस्टेट प्योर दार्जिलिंग टी, यहाँ पे रुके हैं हम ओके टी की फैट कटर चाय लेने के लिए। रश्मा फैट कटर चाय मेरे लिए जरूर लेना, ठीक है ना? Hi, oh, I'm here with Mr. Mukund Rai, and this is the counter of OKT. The history of the counter the tea I have already shown, and they have given a very sweet and very beautiful pack of tea. I'm very thankful to them. Thank you. You can try, and if you like it, you can order it online also. Yes, sir. You can order it. I'll send you all the details in description box. Please check it. Thank you, dear. कौन सा टी है जो आप इनको पिला रहे हैं? ये आपका फर्स्ट प्लेस मूनशाइन है। मून चाय। ओके। तो मुकुंद भाई हमारे को बताएंगे अब जो यहाँ पे इन्होंने हिज हेडिंग एज टूरिज्म मैनेजर इन ओकेटी एंड दे हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव। मुकुंद भाई बताएं कि क्या इनिशिएटिव है वो? सर एक्चुअली क्या करते हैं, व्हेन यू कम टू दार्जिलिंग, राइट, दार्जिलिंग इज फेमस फॉर टी। यस, सो एक्चुअली दार्जिलिंग इज फेमस फॉर थ्री टी, राइट, टी, टूरिज्म एंड टॉय ट्रेड। Very right, sir. So the tea, what we are doing is, the owner of OKT is taking an initiative कि हम जो टूरिस्ट आते हैं उनको चाय के बारे में सब कुछ बताएं। So sir, आप अपनी गाड़ी से आएंगे, you got to book, there is a booking this thing, okay, there is a booking sir, and there is a contact number out here. मैं मुकुंद का जो है सारी details आपके description box में डाल दूंगा, please check it. And what we do out here is sir, हम आपको लेके जाएंगे कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा। ओके, हमारा अपना ही 4-wheel गाड़ी होगा, हाँ, वो आपको लेके जाएगा टी का पूरा हिस्ट्री, नॉट ओनली ओकाइटी टी, अबाउट द दार्जिलिंग, द हिस्ट्री ऑफ ओकाइटी, देन वी विल टेक यू फॉर 1 किलोमीटर हाइक, उसके बाद हमारा छोटा गेस्ट हाउस है, वहाँ आपको रिफ्रेशमेंट होगा मैम, उसके बाद हमारा बहुत पुराना, अभी भी मानते हैं लोकल बहुत उसको, मंदिर है सर, अच्छा, ब्रिटिश टाइम का, उसका अपना हिस्ट्री है, ब्रिटिश टाइम का ब्रिटिशर ने बनाया हुआ है वो है। उसके बाद वी हैव अ वाटरफॉल जो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर में है। अच्छा, द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट वाटरफॉल इज उधर का जो स्टार्टिंग है वो मेची रिवर, नेपाल में मेची रिवर में जाके मिलता है। ओके, दिस साइड इज नेपाल, दिस साइड इज इंडिया। अच्छा, वन पार्ट ऑफ दिस वाटरफॉल इन इंडिया एंड वन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री। ओके। उसके बाद आपको स्नैक्स हम सर्व करेंगे, थोड़ा सा स्नैक्स सर्व करने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद वी विल टेक यू टू द ओकाइटी हेरिटेज फैक्ट्री बिकॉज़ इट इज अगेन स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। अच्छा, बिल्कुल बाउंड्री में है, इंडिया नेपाल के बाउंड्री में। ओके, वहां हम आपको 6-7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी टेस्ट कराते हैं, पूरा चाय का जितना भी है आपको सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं सर, जैसे ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट, ऊलोंग, सब सेम पत्ती से बनता है, सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ टीज आर देयर, राइट राइट। मैम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज जब आप अगले टाइम घर पे बैठ के दार्जिलिंग चाय सुबह पिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हिच, यस, व्हिच टी वी आर टेकिंग एंड हाउ डज इट कम टू, इट हैज कम टू मी विद मी माय कॉलीग आउट हियर, हर नेम इज एकता, वी आर इन टूरिज्म एंड द स्टोर plus before all of us into a tourism thing, okay, the store, my colleague Sahil and nice, he's looking, Subham is looking after the store. Okay. Very nice. Thank you, Mukund. It was very nice information. You can keep this. Yeah, please give it to me. I'll put all these things. Yeah. Thank you. Here is this first class, and I'm sure you will like it. Tees के लिए अगर हम बागडोगरा एयरपोर्ट से चलते हैं, दिस इज़ बागडोगरा एयरपोर्ट, सो यहाँ से 47 किलोमीटर्स का रन है, विच इज़ अराउंड 1.5 आवर्स जर्नी। मिरिक के पास जो है ये पड़ता है, तो इसके लिए ये जो मैंने ट्रैवल टाइम लिया है ये बाय कार लिया है, तो बागडोगरा एयरपोर्ट से करीब 47 किलोमीटर्स का रन एंड 1.5 आवर्स की जर्नी। अब मैं यही जर्नी आपको दिखाता हूँ अगर हम दार्जिलिंग से बागडोगरा की ओर जा रहे हैं तो मिरिक के लिए आपको कितनी देर लगेगी। अगर हम दूसरी ओर दार्जिलिंग से अगर बागडोगरा की ओर जा रहे हैं तो मिरिक का रास्ता करीब 39 किलोमीटर्स का है और ये जर्नी थोड़ी सी बड़ी है, 1 घंटा 50 मिनट की। ये जर्नी इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा रास्ता हिली एरिया है। जब हम बागडोगरा की तरफ से आते हैं तो करीब 20 किलोमीटर का एरिया जो है प्लेन्स में है, उसके बाद हिल्स शुरू होते हैं।
तो जब हम दार्जिलिंग से अगर बागडोगरा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा रास्ता 1 घंटा 50 मिनट और 39 किलोमीटर्स के अराउंड पड़ता है। सो दीज आर द टी लीव्स ऑफ द ओकाई टी, जो हम फ्लेवर अभी यूज़ करें, दिस इज़ फर्स्ट ब्लश होल लीफ। तो ये जो है विदाउट मिल्क बनानी है, रिमेंबर ओनली टी लीव्स एंड हॉट वाटर। सो माई टी इज़ रेडी एंड सी द कलर ऑफ द टी। लेट मी चेक द एरोमा, द फ्रेग्रेंस, बट द लुक्स आर रियली रियली वेरी, लुक वाइज इट इज़ वेरी सूदिंग इन फैक्ट। सो आई एम रेडी विद माई ओकाई टी। एज आई सेड, फर्स्ट फ्लश टी, तो बहुत अच्छा इसका एरोमा है, इट्स वेरी एरोमेटिक। और जो मैं फर्स्ट कटर सॉरी फैट कटर टी के बारे में सोच रहा था, सो दिस इज द परफेक्ट फिट फॉर मी। इसको हम जो है जैसे मैंने बताया था, इट्स दार्जिलिंग टी, तो इट्स ओरिजिनल दार्जिलिंग टी बिकॉज हम वहीं से लाए, वहीं से हमारे को मिली है। सो इट इज़ प्योर टी, प्योर लीफ टी, जैसे मैंने अभी आपको बनते हुए भी दिखाया था, जो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, जैसे मुकुंद भाई ने बताया था, जो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ उस पर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड यस, एन्जॉय, थैंक यू। सो फॉर बुकिंग ओके टी टी गार्डन टूअर, आप ईमेल भी कर सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आपके सारी डिटेल्स आ रही हैं। एंड यू कैन कॉल मिस्टर मुकुंद ऑन द फॉलोइंग नंबर, मिस्टर मुकुंद विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एंड फ्रेंड्स, डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़, एंड रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल कपिल दिल्ली वाला। थैंक्स अगेन।